जीटी रोड पर वाहनों की तेज रफ्तार हादसों का सबब बनती जा रही है। कन्नौज में एक तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने बाइक सवारों को रौंद दिया। हादसे में बाइक चला रहे युवक की मौके पर ही मौत हो गई, तो वहीं बाइक पर पीछे बैठे बुजुर्ग को गंभीर हालत में डॉक्टरों ने कानपुर रेफर कर दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। कन्नौज सदर कोतवाली क्षेत्र के ग्राम मधुपुर निवासी कृष्ण कुमार गांव के ही रहने वाले 50 वर्षीय शिवपाल के साथ बाइक से बाजार से घर लौट रहा था, तभी जीटी रोड पर हरदोई तिराई के पास बाइक सवार को किसी अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी और फरार हो गया। हादसे में कृष्ण की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे की सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल को अस्पताल पहुंचाया और मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए, तो वहीं बाइक को रौंदने वाले अज्ञात वाहन का पुलिस पता नहीं लगा पा रही है। ये घर जा रहे थे शाम को, थोड़ा काम निपटाने आए थे, आलू का पैसा था, लेन देन होगा, इसके बाद कॉल से होकर घर जा रहे थे। और रोड पे पहुंचने के बाद बाबा होटल के पास में, वहाँ पे बाइक से और ट्रक काफ़ी तेज़, उधर सामने विपरीत दिशा से काफ़ी तेज़ स्पीड से आ रहा था, उसने मतलब एकदम कट से ये अपने रोड कच्ची तरफ उतरी, लेकिन ट्रक से फिर टक्कर से वजह से हो गया। इसमें हमारे यहाँ पे दो व्यक्ति लाए गए थे, एक मृत अवस्था में था, दूसरा अत्यंत घायल अवस्था में था, स्थिति उसकी काफ़ी गंभीर थी। जो मृत व्यक्ति है उसका नाम है कृष्ण कुमार, और जो घायल और गंभीर अवस्था में था उसका नाम है देखपाल दोहरे। ब्रेव न्यूज़ लाइव के लिए कन्नौज से अमित चतुर्वेदी की रिपोर्ट।